हेलो दोस्तों, अगर आप हमेशा स्वस्थ और मस्त रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को हरे कृष्णा योग मंत्र मीना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा योग मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मुद्रा की श्रृंखला में आज हम एक नई मुद्रा सीखेंगे जिसका नाम है पुषाण मुद्रा। पुषाण मुद्रा भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य नई आशा और शुरुआत का देवता है। यह पोषण और पूर्ति का भी देवता है। यह मुद्रा पोषण और पाचन के लिए खास है। दोस्तों, पुषाण मुद्रा को एज ए गॉड ऑफ न्यूरिशमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह मुद्रा याददाश्त बढ़ाने में खास कारगर है, इसलिए स्टूडेंट्स को इस मुद्रा का अभ्यास खास करना चाहिए। अगर वो एग्जाम्स के दरमियान, परीक्षा के दौरान इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो यकीनन उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब बात करेंगे हम इसको करेंगे कैसे। योगासन की चटाई पर बैठें या आराम की स्थिति में सोफ़ा पर, पलंग पर और कुर्सी पर भी आप बैठ सकते हैं। आप जब भी बैठेंगे तो किसी भी आसन के अंदर, जिस आसन में आप कंफर्टेबल फील करते हो उसी आसन के अंदर बैठ सकते हैं, चाहे पद्मासन हो, वज्रासन हो, सुखासन हो या सिद्धासन हो। जब भी आप कोई आसन लगाकर बैठेंगे तो आपकी नेक, हेड और स्पाइन हमेशा सीधी रहनी चाहिए। आपका पूरा ध्यान श्वासों की गति के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। यह मुद्रा दाएं और बाएं हाथ के लिए अलग मुद्राएं हैं जो एक दूसरे के साथ संयोजन में की जानी है। लेफ्ट एंड राइट से अलग अलग मुद्रा होगी। अब हम पहले लेफ्ट साइड को देख लेंगे। लेफ्ट साइड से मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे की नोक को मध्यमा और अनामिका उंगलियों की नोक से स्पर्श करें, फिर छोटी और तर्जनी उंगलियों को सीधे रखें, यानि आप मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर इनको थंब के टिप के साथ टच करवाएंगे। दोनों उंगलियां बाकी की सीधी रहेगी। और दाएं हाथ की बात करें यानि राइट हैंड की बात करें तो अंगूठे की नोक को तर्जनी और मध्यमा उंगलियों की नोक से स्पर्श करें और फिर छोटी और अनामिका उंगलियों को सीधे रखें, स्ट्रेट रखें, यानी थंब और तर्जनी और मध्यमा, तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के टिप को थंब के साथ टच करवाएं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इसे सीधे या उल्टे हाथों से भी किया जा सकता है। इस मुद्रा को करने का टाइम पीरियड है 15 से 45 मिनट, यानी 15 to 45 मिनट्स। अगर आप एक साथ नहीं कर सकते हैं तो इसे 15, 15, 15 के 3 स्लॉट्स में भी कर सकते हैं। इस मुद्रा का किसी भी समय और कहीं भी अभ्यास किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इससे होने वाले फ़ायदों की। इस मुद्रा को करने से मणिपुर चक्र एक्टिव होता है, इसलिए पेट संबंधी सारी बीमारियां जैसे इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन सब ठीक होता है और डाइजेशन इम्प्रूव भी होता है। जिन लोगों का पाचन वीक है उन लोगों को इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इस मुद्रा के अभ्यास से प्राण वायु, अपान वायु और व्यान वायु तीनों वायु बैलेंस में रहती है। प्राण हमारी पूरे बॉडी में घूमते हैं एनर्जी के रूप में और व्यान ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करते हैं और अपान पूरे डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। हार्ट रिलेटेड सारे प्रॉब्लम इस मुद्रा को करने से ठीक होते हैं और मल मूत्र त्यागने में जो प्रॉब्लम होता है वह इसे ठीक होता है। यूरिनरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होता है, जो प्रॉब्लम होता है वह भी इस मुद्रा को करने से ठीक होता है। यह मुद्रा डिटॉक्सिफिकेशन में काफ़ी हेल्पफुल मुद्रा है। इस मुद्रा को करने से लीवर, गॉल ब्लेडर और स्टमक के फंक्शंस में फ़ायदा होता है। नौशिया यानी वॉमिटिंग में भी यह मुद्रा खास उपयोगी है।
यह मुद्रा ब्रेन को एक्टिव करती है, यानी ब्रेन फंक्शन को एक्टिव करने में, सक्रिय करने में मदद करती है। इस मुद्रा के अभ्यास से याददाश्त तेज होती है, यानी मेमोरी शार्प होती है। इसी तरह आप सभी मुद्राओं का अभ्यास करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत रहूँगी। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रेम से रहें। धन्यवाद।